गोपाष्टमी के अवसर पर उमड़ा आस्था का सैलाब। गोपाष्टमी के अवसर पर धार्मिक नगरी पुष्कर में कोरोना काल के बीच आस्था का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर यदाशक्ति दान पुण्य किया। आमतौर पर आज ही के दिन पुष्कर मेले का झंडारोहण और सरोवर की महाआरती के साथ शुभारंभ होता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार पुष्कर मेले में लगभग सभी आयोजन रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि पुष्कर तीर्थ के प्रति अपनी अटूट आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है। कार्तिक माह के महत्व को देखते हुए श्रद्धालुओं का लगातार पुष्कर में आना जारी है। उधर कार्तिक माह में आने वाले गोपाष्टमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने ब्रह्म पुष्कर गौशाला में गायों की पूजा अर्चना कर धार्मिक परम्परा का निर्वहन किया। गौशाला समिति के सदस्य नेहरू पंडित ने बताया कि कार्तिक मास शुक्ल अष्टमी के दिन जन्म के छठे वर्ष में गो चराने के लिए श्री कृष्ण ने नंद बाबा से निवेदन किया और ब्राह्मणों ने से मुहूर्त निकलाकर आज ही के दिन गो माता का पूजन कर गायों को चराना प्रारंभ किया। साथ ही कृष्ण अवतार में गायों के संरक्षण सर्वधन के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित किया। इसी कारण आज के दिन कृष्ण को गो पूजन या गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आज गोपाष्टमी है, आज के दिन गौ माता की वहाँ पूजा की जाती है और पुष्कर का स्नान का बड़ा महत्व है। हजारों लाखों यात्री आज के दिन आते हैं, लेकिन ये कोरोना काल के कारण अभी ज्यादा से ज्यादा 30,000 यात्री यहाँ तीर्थ पे आए हैं। आज का बहुत बड़ा महत्व है गोपाष्टमी।